3 दिन पी लो, 90 साल तक हड्डियों की कमजोरी, शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, बुढ़ापा, जोड़ों का दर्द और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने शरीर की बहुत तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी और फिट बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बच रहेंगे। दोस्तों, ये नुस्खा कैल्शियम का खजाना है जो आपके शरीर की कैल्शियम की कमी को पूरा करता है और आपके शरीर की हड्डियों को वज्र के समान मजबूत बना देता है। दोस्तों, यदि आपको जोड़ों का दर्द, कंधे, कमर और हाथ या फिर गठिया का दर्द परेशान करता है, दोस्तों तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपको इस हर समस्या से छुटकारा दिलाएगा। क्योंकि एक तो ये कैल्शियम का खजाना है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा, तो जो भी हड्डियों के कारण दर्द होता है ये उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा और दूसरा आपके जोड़ों को भी मजबूत बना देगा, जिससे ना तो कभी आपको गठिया, जोड़ों और घुटनों का दर्द होगा। दोस्तों, क्या आपको डायबिटीज की बीमारी है और आप अपनी शुगर के लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं? तब तो दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक रामबाण औषधि की तरह काम करेगा। दोस्तों, ये नुस्खा न सिर्फ आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा बल्कि इस शुगर के रोग के जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपको उन सब से भी बचा कर रखेगा। दोस्तों, क्या आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और आपको डर रहता है कि आपको हार्ट ब्लॉकेज आ जाएगी या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा? तो दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इस नुस्खे को, आप इस काढ़े को जो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, वो एक काढ़ा बनाना है, आप इस काढ़े को लगातार 21 दिन तक सेवन करें और 21 दिन के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं। दोस्तों, आपको चमत्कारी नतीजे दिखाई देंगे, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। और दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज होगी और ना ही आपको हार्ट अटैक आएगा और ये नुस्खा उल्टा आपके हार्ट को मजबूत करने का काम करेगा। यानी ये नुस्खा कोलेस्ट्रॉल का इलाज करेगा, हार्ट ब्लॉकेज का इलाज करेगा, हार्ट अटैक का इलाज करेगा और आपके हार्ट को भी मजबूत बनाने का काम करेगा। दोस्तों, क्या आपको पेट के रोग हैं, आपका पाचन तंत्र कमजोर है, आपको कब्ज, पेट में गैस और ये एसिडिटी की समस्या रहती है? तो दोस्तों, तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और आपके पाचन तंत्र को मजबूत करके इस कब्ज, गैस और एसिडिटी का बिल्कुल जड़ से इलाज करेगा। इतना चमत्कारी है ये नुस्खा। दोस्तों, क्या आपका मोटापा बढ़ा हुआ है और आप अपने पेट की चर्बी को मक्खन की तरह पिघलाना चाहते और बिल्कुल स्लिम और फिट बनना चाहते हैं? दोस्तों, तब भी आपको इस नुस्खे का सेवन करना चाहिए क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपके पेट, कमर और जांघों की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने से आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी, आपको जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा क्योंकि इस नुस्खे को लेने से आपके चेहरे पर एक ग्लो आ जाएगा, आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी, आपको बुढ़ापा जल्दी से नहीं आएगा। इतना चमत्कारी है इस नुस्खे का सेवन। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस नुस्खे को बनाने के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो क्या है। दोस्तों, इस नुस्खे की जो आवश्यक सामग्री है वो है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाना के फायदे कौन नहीं जानता। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से मेथी दाना का सेवन करता है तो उसका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बना रहता है। दोस्तों, मेथी दाना डायबिटीज से लेकर कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, हृदय रोग, हर बीमारी में एक कारगर तरीके से काम करता है और आपको इन सब बीमारियों से बचाने का काम करता है। और जो दूसरी इसमें सामग्री है वो है दोस्तों हल्दी। दोस्तों, हल्दी के फायदे भी हम सभी जानते हैं। दोस्तों, हल्दी वाला दूध हमारे लिए एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। दोस्तों, हल्दी एंटीसेप्टिक का काम करती है और हमारे शरीर के हर प्रकार के दर्द को हरने का काम करती है, हमें हर प्रकार के दर्द से बचाती है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन
डाइजेशन को प्रॉपर बनाकर रखती है। और जो तीसरी इसमें सामग्री है वो है दोस्तों दालचीनी। और दोस्तों दालचीनी को मसालों की रानी कहा जाता है। और दोस्तों ये महारानी आपके शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकती है। लेकिन दोस्तों इस दालचीनी का प्रयोग यदि किसी भी नुस्खे के साथ कर लिया जाए तो उस नुस्खे की पावर 150 गुना अधिक बढ़ जाती है। और हमने इस नुस्खे में दालचीनी का प्रयोग भी इसीलिए ही किया है। तो दोस्तों ये आपको 3 सामग्री चाहिए और ये आपको या तो आपके घर में या फिर नजदीकी पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहां से भी इनको बाय कर सकते हैं। अब जानते हैं नुस्खे को बनाने की विधि, यानी इस काढ़े को बनाने की विधि। दोस्तों आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रख देना है। अब आपने इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालना है, जैसे कि ये हमने डाल दिया। अब आपने इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का मिलाना है, जैसे कि ये हमने हल्दी डाल दी। यदि आपके पास कच्ची हल्दी है तब आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मेरे पास कच्ची हल्दी नहीं थी इसलिए मैंने ये पाउडर यूज किया, पर यदि आप कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे तो उससे आपको और भी अधिक फायदा होगा। अब जो आपने इसमें दालचीनी डालनी है वो डालनी है 1 चुटकी। ये हमने तीनों सामग्री इसकी डाल दी। अब आपने इस काढ़े को तब तक उबालना है जब तक कि आपने 2 गिलास पानी लिए थे और वो उबल उबल कर 1 गिलास न रह जाए। और जब यह उबल उबल कर 1 गिलास रह जाए तो दोस्तों समझो आपका काढ़ा रेडी है। अब आप इसको आग से नीचे उतार लें। अब आप इसको 1 गिलास में डालें। दोस्तों जैसे कि हमने इस काढ़े को छाना है, आप इसको छान कर भी प्रयोग कर सकते हैं और बिना छाने भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी दोनों ही तरीके से आप इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिना छाने प्रयोग करेंगे तब आपको अधिक फायदे होंगे, पर यदि आप उस तरीके से नहीं पी सकते तब आप इसको छान कर प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने इसका सेवन करना है, वो करना है सुबह बासी में, सुबह खाली पेट। और दोस्तों यदि आप खाली पेट इस काढ़े का सेवन करेंगे तब आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा। दोस्तों आपके शरीर की हड्डियां मजबूत बन जाएंगी, इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, और दोस्तों आपको बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। दोस्तों यदि आपको अनिद्रा की बीमारी है और आप इस अनिद्रा की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तब भी दोस्तों ये कारगर नुस्खा है। ये आपकी अनिद्रा की बीमारी का बिल्कुल जड़ से इलाज कर देगा। और दोस्तों ये अनिद्रा भी है जो हमारे शरीर की बहुत तरह की बीमारियों का कारण बनती है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस काढ़े को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस काढ़े का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।